दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में भाजपा की राजनीति घूम फिर कर केवल लालू प्रसाद यादव पर ही केंद्रित क्यों होती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आम जनता के हित की बात और गरीबों, मजबूर और मजलूमों की बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुख्य मुद्दा लालू प्रसाद यादव होते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं तो परेशानी, अगर नाव पर चढ़कर राघोपुर क्षेत्र जाते हैं तो परेशानी, अगर रथ पर चढ़कर अपने ससुराल और घर फुलवरिया गोपालगंज जाते हैं तो परेशानी, अगर लालू प्रसाद यादव मीटिंग में दो लाइन कहते हैं तो परेशानी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में राजनीतिक मुद्दा क्या है? क्या भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं? क्या भाजपा लालू प्रसाद यादव के नाम को ही लेकर अपनी राजनीति रोटी बिहार में सेकते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है बिहार वासियों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक कोई भी ऐसा कार्य बिहार में नहीं संपन्न हुआ जिससे भाजपा यह कह सके कि बिहार में यह कार्य हमारे द्वारा किया गया, जबकि भाजपा के उप मुख्यमंत्री हमेशा बिहार में रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन कोई भी विकास का काम या किसी भी तरह का असल मुद्दा वाला काम भाजपा ने नहीं किया बिहार में। और केवल लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार, सीबीआई और लालू जी कहाँ गए, कहाँ वो सोए, कहाँ जागे, कहाँ पेशाब किए, कहाँ बाथरूम गए, कहाँ पैखाना किए, क्या किडनी चेंज हुआ, क्या बीमारी है, इसी पर भाजपा ही केंद्रित रहते हैं। सुशील मोदी मानो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए, उनका मुद्दा एक ही है कि किसी भी तरह लालू का नाम जप के अपने रोटी को सेका जाए। क्या बिहार में नीतीश के अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वजूद समाप्त हो गई है? क्या नीतीश कुमार के सहारे ही और लालू यादव के नाम के सहारे ही भाजपा बिहार में राजनीति कर रही थी? अगर हाँ तो भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं वह बिहार में किसी भी मुद्दे पर विरोध जतावे और किसी भी मुद्दे पर बिहार में प्रश्न करे। लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में गरीब, मजबूर, अल्पसंख्यक, दलित समुदाय के जुबान खोलने की आज़ादी दी। प्रजातंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में लोगों को क्या अधिकार है, यह जताने और बताने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू ने गरीबों को नेता बनाया, लालू ने गरीबों को कुर्सी बैठने के लिए सिखाया। दलित, मजबूर और दबे कुचले जो अंतिम पौदान के व्यक्ति हैं, उन्हें लालू प्रसाद यादव ने कुर्सी पर बिठाया और जगाने का काम किया। क्या यही गलती लालू प्रसाद यादव की है? इसी गलती के कारण लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा? और क्या जगन्नाथ मिश्रा द्वारा चारा घोटाले को जन्म देने वाले साफ सुथरा हो गया और लालू प्रसाद यादव, जिसने चारा घोटाला मामला को उजागर किया, इन्हें ही षड्यंत्रकारी कह के जेल में रखा गया? क्या लालू यादव बिहार के ऐसे स्तंभ हैं जिसे उखाड़ पाना भाजपा के बस में नहीं है? तो आपको सोचना होगा आने वाले चुनाव में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।